हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग काफ़ी क्रिएटिव होने वाला है, बिकॉज अब आज मैं जा रहा हूँ ब्रह्मखाल और ये राड़ी होते हुए जाऊँगा मैं आज, और देखते हैं रास्ते में जो जो मिलता है मैं आपको बताता हूँ। और अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ का मैं आपको भी बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर करते हैं। सो गाइस, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो। हाँ तो भैया, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, आप ये खींच रहे हो ऊपर गाड़ी, ये क्या मतलब बस थी या डंपर था? क्या डंपर था? ये डंपर था। तो कितने दिन पहले गिरा था यहाँ पर? 20 दिन पहले गिरा था। 20 दिन पहले। तो इसमें जो ड्राइवर था बच गया था? ड्राइवर था, जिस टाइम पर डांग बटी ड्राइवर पल्ली तरफ कूद गया था। तो इसकी गहराई कितनी है लगभग? 400 मीटर। 400 मीटर नीचे जाके गहराई में। तो गाड़ी में कुछ बचा भी है या फिर काम? फंडम है गाड़ी, फंडम है। तो आपको मतलब यहाँ पर बुलाया जाता है? आप कहाँ से हैं वैसे? सहारनपुर से। सहारनपुर से। हाँ, एक चीज़ मैंने देखा है गाइस, सहारनपुर के जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनती है, मतलब आधा भारत तो यही चला रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, आप ये इस चीज़ को देख लें कि पहाड़ों में भी कई सारे ऐसे काम हैं जो आम आदमी नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे भाई लोग ऐसे हैं सहारनपुर से जो आ रखे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर जो है कि अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए आप नीचे से खींचे जा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट है, मतलब जो काम जो बच जाता है थोड़ा? फिर भी स्टेपनी बची हुई, बस स्टेपनी बची हुई। तो इसके बाद एक कबाड़े में बिक जाता है? कबाड़े में कूड़े में जाएगा। कट के निकल रहा जी? अच्छा, कट के आदमी से काट रहे, गैस कटर से काट रहे इसको नीचे ही। अच्छा, गैस कटर से काट के गैस से निकालते। तो जो गाड़ी का मालिक है वो इसको क्या मतलब कबाड़े के भाव बेच देता होगा? मालिक ने बेच दिया कबाड़े के, बिक दिया। बहुत बड़े। तो कितना टाइम लग जाता है इस गाड़ी को निकालने में? लगभग 15 दिन से आप निकाल ही रहे हो इसको? निकाल ही रहे इसको। सो गाइस, यू डोंट बिलीव दैट 15 दिन हो चुके हैं इनको ये गाड़ी निकालते हुए। और होता ही है डंपर, वो बड़ा वाला होगा जिसको रोड़ी बजरी सीमेंट करिया जाता है, इसके अंदर कटर थी 22 टन। 22 टन कटर तो वो भी आप ही ने निकाली होगी? नहीं नहीं, कटर तो पड़ी वहाँ पे जहाँ पे डंपर गिरा है। अच्छा, जहाँ पर ये पत्थर लगे हैं पीछे वहाँ से गिरा है? मैं अभी आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। अच्छा, वहाँ पर गिरा था जी? तो मतलब किसी की मिस हैपनिंग नहीं हुई, कोई मरा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। इतना है कि चलो ड्राइवर सही टाइम पे कूद गया, बाकी रात को हुआ होगा ये हादसा। चलो बढ़िया है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जैसा कि आपने देख लिया गाइस, मतलब 15 दिन हो गए हैं गाड़ी के पार्ट्स को निकालते हुए, और अब मैं आपको उस लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ जहाँ से ये गाड़ी गिरी थी। लगभग 20 दिन पहले ये गाड़ी गिरी थी, और थैंक गॉड कि इसमें मतलब जो है कि ड्राइवर बच गया। और छोड़ो आप, ड्राइवर बच जाता है तो इतना ही बहुत है। अच्छा, ये इसके अंदर आप देखिए अब यहाँ पर क्या है कि इसके प्रूफ दिखा दो मैं आपको। लिकट जाएगा यहाँ तो सुबह, आप देख सकते हैं नीचे जी खाई में गाड़ी गिरी है। ये डंपर था? ये डंपर, डंपर। अरे वाह, चलो ड्राइवर तो बच गया, अब इसको ऊपर खींचा जा रहा है पूरा। हाँ, सो गाइस आप देख सकते हैं मतलब कि आज भी मैन पावर काम करती है, जरूरी नहीं कि हर जगह मशीन काम करे। तो ये हमारे भाई लोग जितने भी हैं काफ़ी इनके बाजुओं में दम है, और आप देख सकते हैं गाड़ी का आधा पार्ट इन्होंने यहाँ तक खींच के ला दिया है। लगभग 200 मीटर नीचे खाई है जहाँ पर डंपर गिरा था। 400 मीटर, सॉरी अबाउट दैट, 400 मीटर की गहराई से खींची जा रही है, और बहुत ही मोटी मोटी चेन, और देखिए आपकी पट्टे से खींचा जा रहा है। चलो सर, आप जान लगाएंगे मैं एक साथ, 1 2 3 खींचो अब। काफी मशक्कत करनी पड़ती है लेकिन यहाँ पर इनकी लोकेशन देखिए आप, और यहाँ पर पत्थर रख दिए गए हैं। यहाँ से गाड़ी जब नीचे गई तो इसके अंदर ये देखिए आप, ये इसके अंदर कंक्रीट भरा हुआ था, और ये डायरेक्ट जाके नीचे कम से कम 400 मीटर नीचे खाई में जा गिरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है कर दिया गया। आजकल यात्रा सीजन चल रहा है गाइस, तो
यात्री भी काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं इस तरीके से। देखिए आप मोड़ों पे जो है सिंगल वे होता है तो गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ देने में या फिर साइड देने में प्रॉब्लम आती है। और अब आप देख सकते हैं मतलब कि 15 दिन से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो गाइस, कहने का मतलब मेरा ये है कि पहाड़ों में इतना इजी भी नहीं है ड्राइव करना जितना हम सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधी रोड देखने को नहीं मिलती है। मैक्सिमम आपको यहाँ पर जो है मोड़ ज़्यादा दिखेंगे, और मोड़ों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको अगर एक झपकी भी आ गई ना तो समझो काम हो गया। और नाइट में ज़्यादा ड्राइव करते हैं ये डंपर वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि रात को ट्रैफिक कम होता है। उसके चलते ये क्या है कि चलो रिस्क भी बना रहता है, लेकिन करें क्या, जॉब है, करते हैं तो अपने लिए है। तो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि ड्राइव सेफ करें। और देखिए, हमारे ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे ना रहने के बाद जो जी नहीं पाएंगे ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कई लोग हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। सो गाइस बी सेफ, और अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे रास्ते में और क्या क्या मिलता है। ये देखिए आप, ये कितने रिस्की भरा काम है, रस्सी पकड़ के नीचे उतरना पड़ता है। ठीक है भैया, धन्यवाद, आप करिए अपना काम, फिर मिलते हैं दोबारा। सो गाइस राड़ी टॉप पहुंच गए हैं। यह है राड़ी टॉप, जहाँ पर कि आप जो है रुक के 5-10 मिनट यहाँ पर आप लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग यहाँ पर रुकते हैं।
शिव गुफा है जहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की थी।